रहमान फाउंडेशन तर्फे कौन बनेगा आशी के रसूल सीरत क्विज कॉम्पिटिशन से आयोजन। दिनांक 5 अक्टूबर 2022 रोजी पैगंबर जयंतीच्या निमित्ताने रहमान फाउंडेशन तर्फे कौन बनेगा आशी के रसूल सीरत क्विज कॉम्पिटिशन से आयोजन करण्यात आले होते। या कॉम्पिटिशनमध्ये सांगली मिरज व आसपासच्या 950 विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला। सांगलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महमदिया ॲग्लो उर्दू हायस्कूल सांगली व मिरजेच्या विद्यार्थ्यांसाठी अल्पता इंग्लिश स्कूल मिरज येथे परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते। या कॉम्पिटिशनमध्ये मोहम्मद पैगंबराच्या जीवनावर आधारित 100 प्रश्नांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली, ज्याचा कालावधी 1.5 तासाचा होता। या कॉम्पिटिशनमध्ये प्रथम 3 क्रमांकांना अनुक्रमे 5,000, 3,000 व 2,000 रुपये पारितोषिक म्हणून देण्यात आले। या कॉम्पिटिशनचा उद्देश विद्यार्थी अवस्थेतील मुलामुलीत मोहम्मद पैगंबराच्या जीवनाचा आदर्श घेऊन निस्वार्थपणे मानवसेवेसाठी समर्पित असे जीवन जगावे हे विचार रुजवणे होते। यावेळी रहमान फाउंडेशनचे सेक्रेटरी मौलाना जमीर साहेब यांनी सर्व विद्यार्थी व पालकांचे व इतर सहकार्य करणाऱ्या लोकांचे आभार मानले। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج سے تقریبا ایک مہینہ پہلے رحمان فاؤنڈیشن نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا کون بنے گا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں سانگلی اور سانگلی کے اطراف سے تقریبا 950 طلبہ نے حصہ لیا تھا جس کا آج ایگزام ہوا ہے امتحان ہوا ہے जिसमें हम लोग यहाँ मिरज के अंदर अल्फता इंग्लिश स्कूल में पहुँचे हुए, जहाँ पर 300 बच्चों ने एग्ज़ाम और इम्तिहान यहाँ पर दिया है। जो मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है, तो वो हमारे आइंदा आने वाली नस्लों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़िंदगी हमारे बच्चों में कैसे आए। इस मकसद को लेकर रहमान फाउंडेशन ने एक किताब बनाई और उस किताब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक 500 सवाल जमा किए। उसी किताब से एग्ज़ाम रखा गया, इम्तिहान रखा गया, ताकि बच्चे उस किताब को पढ़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के करीब हो। इसी मकसद के लिए यह प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो एग्ज़ाम थी बच्चों की वो मुकम्मल हो चुकी है और अल फता इंग्लिश स्कूल में आज तकरीबन 300 बच्चों ने इम्तिहान और एग्ज़ाम दिया है।